अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ सीएस 201 लेक्चर, जो कवर करेंगे इसमें 37 से 42 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इंशाल्लाह आपको इनके तमाम के तमाम जवाब भी इंशाल्लाह आपको सही मिलेंगे। तो आइए हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जी द ऑपरेटर फंक्शन फॉर लेस देन की जो सिंबल है स्ट्रीम्स इंसर्शन और ग्रेटर देन की दो सिंबल आगे एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन मस्ट बी, इसका क्या जवाब होगा? तो हमने बताना है इसका जवाब। तो इसका जो जवाब है नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। तो ये क्यों है ये भी आप लोग दे सकते हैं। इसका जवाब है इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी क्लास एज साइन सी आई एन एंड सी आउट आर नॉट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास सो दिस फंक्शन मस्ट बी ग्लोबल फंक्शन एंड टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास दीज मस्ट बी डिक्लेयर्ड फ्रेंड। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फंक्शन कॉल ऑपरेटर? फंक्शन कॉल ऑपरेटर का क्या यूज़ है? तो ये ओवरलोडिंग द ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। द फंक्शन कॉल ऑपरेटर वैन overloaded does not modify how functions are called, rather it modifies how the operator is to be interpreted when applied to objects of a given type। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डैश वेरिएबल्स आर दोज दैट आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ मेन। तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब है जी ग्लोबल। ये इसका आपको जवाब भी देख सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस यूजुअली ऑन टॉप ऑफ द प्रोग्राम। क्विज नंबर 4 है, कह रहा है कि सी आउट ये जो यानी स्टेटमेंट दिए हुए हैं अबव स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन विद इन स्टेटमेंट ऑफ वन लाइन, हमने इन्हें एक लाइन में लिखना है। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन है? तो मैंने इसका ऑप्शन 3 लिखा है सी आउट लेस देन आई लेस देन डी लेस देन फिर आगे कॉमाज फिर लेस देन एफ, क्योंकि ऊपर जिस तरह के इन्होंने नंबर वाइज तरतीब दी उनको हमने आगे भी देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्ट्रिंग स्टोर एक्स कॉमा वाई और सेमी कोलन का आगे सिंबल है। तो ये है इसका जवाब जी एक्स इज़ अ पॉइंटर टू अ स्ट्रिंग और वाई इज़ अ स्ट्रिंग। इसका जवाब भी आप लोग देख सकते हैं, ये रहा चूज द राइट ऑप्शन स्ट्रिंग एक्स स्ट्रिंग यानी स्टार एक्स वाई और आगे सेमी कोलन। तो आप लोग ये देख सकते हैं इसका पहला ऑप्शन इधर है एक्स इज़ अ पॉइंटर टू अ स्ट्रिंग एंड वाई इज़ अ स्ट्रिंग। क्वेज है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इन स्टेटमेंट मैट्रिक्स एम टू इक्वल टू एम वन और आगे है सेमी कोलन। तो ये क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर इज बीइंग यूज्ड यहाँ पे होगा और इसका जो जवाब ये भी आप लोग देख सकते हैं कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द कंस्ट्रक्टर आर असाइनमेंट ऑपरेटर विल बी कॉल्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो ये दिया हो अब ये इसका जो जवाब नीचे मैट्रिक्स एम वन इनटू ब्रैकेट एम टू और सेमी कोलन ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए इस्तेमाल होगा और फिर आगे है मैट्रिक्स एम वन कोमा मैट्रिक्स एम टू फिर आगे कह रहा है एम वन इक्वल टू एम टू होगा असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यानी जो इक्वल के होंगे बराबर में वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारे थे फर्स्ट पैरामीटर ऑफ ऑपरेटर फंक्शन फॉर लेस देन ऑपरेटर। तो ये मस्ट बी पास्ड बाय रेफरेंस होना चाहिए, इसका जवाब ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास कैन बी क्या होंगे? पब्लिक एंड प्राइवेट, प्राइवेट नन या पब्लिक। तो ये होंगे जी पब्लिक एंड प्राइवेट, ये आप लोग देख सकते हैं इसका नीचे जवाब भी मैंने दिया है स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी पब्लिक और प्राइवेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास हैव एक्सेस टू देम। क्वेश्चन नंबर 2nd लास्ट है यानी कि 9 लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड। लोकल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं कहाँ पर और उस इलाके का नाम क्या है? तो ये है स्टैक, ये लिखा हुआ है लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड स्टैक। ग्लोबल वेरिएबल्स स्टैटिक वेरिएबल्स एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड फिर कहाँ पर होते हैं वो परमानेंट स्टोरेज में होते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन जी हमारा
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल स्टेट फॉर अ पॉइंटर, कौन सी ऐसी जगह है जो कि सही नहीं है जगह फॉर पॉइंटर, पॉइंटर के लिए, तो वो है होल्ड द एड्रेस ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसका जवाब भी मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, होल्ड एड्रेस ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ीद हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सारी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।